कानपुर, पंचकुला के बाद उत्तराखंड में पिटबुल का आतंक। उत्तराखंड में एक मासूम बच्चे पर झपटा पिटबुल कुत्ता, बुरी तरह से नोच खाया पेट और हाथ, हालत बेहद गंभीर। 21 दिन बाद होगी बच्चे की सर्जरी। पड़ोसी के खतरनाक पिटबुल से दहशत में है गली के लोग। जुलाई 2022 में लखनऊ से एक खबर सामने आई थी जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया था। पालतू पिटबुल कुत्ते ने अपनी बुजुर्ग मालकिन को मार डाला था। थोड़े दिन बाद ऐसी ही खबरें दिल्ली, फरीदाबाद और मेरठ समेत तमाम शहरों में देखने सुनने को मिली। अब उत्तराखंड के हरिद्वार में पिटबुल का पागलपन देखने को मिला है। यहाँ पड़ोस में रहने वाले शख्स के पिटबुल ने 9 साल के मासूम को बुरी तरह नोच डाला। जानलेवा हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हुआ है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना उत्तराखंड के हरिद्वार के कनकल क्षेत्र की है। पिटबुल डॉग ने 9 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। पड़ोसी ने खतरनाक पिटबुल डॉग खुला छोड़ दिया था जो बच्चे पर झपट पड़ा। 9 साल का ज्योति रविवार को अपनी बुआ के घर मिश्रा गार्डन गया हुआ था। पड़ोस में रहने वाले शुभम राम चंदवानी के पिटबुल डॉग ने बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के पेट और हाथ को नोच लिया। बच्चे की हालत गंभीर है। अब 21 दिन बाद उसकी सर्जरी की जानी है। बच्चे के परिजन ने कहा है कि उनकी बहन ने पड़ोसी को कई बार कहा कि वो डॉग को खुला ना छोड़ें, पर वो माने नहीं। यहां तक कि पड़ोसी ने शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। यहां आपको ये भी जानना जरूरी है कि पिटबुल आखिर कितना खतरनाक कुत्ता होता है। पिटबुल दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में शामिल है। अपनी असाधारण चपलता, मांसपेशियों की शक्ति और मजबूत जबड़े के लिए भी चर्चित है। इसे एक बेहतरीन लड़ाकू डॉग कहा जाता है। इसलिए ये कुत्तों की लड़ाई वाले खेलों के लिए सबसे पसंदीदा कुत्ता माना जाता है। इन्हीं वजहों से पिटबुल को पालने के लिहाज से बेहद खतरनाक कुत्ता बताया जाता है। दुनिया के कई देशों में पिटबुल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर और हरियाणा के पंचकुला में पिटबुल पर बैन है। तो अब सवाल यह है कि क्या कानपुर, पंचकुला के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पिटबुल डॉग पर बैन लगेगा? सवाल इसलिए क्योंकि मासूम ज्योति के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बेहद डरावना है। अगर आपके पास या आपके आस पड़ोस में किसी के पास इस नस्ल का कुत्ता है तो जरा सावधान ही रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।